चलिए इस स्पंज को हम बनाएंगे ग्लास में। सारे इंग्रेडिएंट्स पहले डालेंगे और बाद में मिक्स करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लीजिए स्ट्रॉबेरी जैम, उसे थोड़ा सा मिक्स करके क्रीमी कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए और इससे हम ग्लास को डेकोरेट करेंगे। ये थोड़ा फ्लोई हो जाए तो ग्लास डेकोरेट करना इजी हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन ग्लास को डेकोरेट करने से पहले मैं लेकर आती हूँ आइसक्रीम और व्हिप्ड क्रीम। सब कुछ ओके, सब कुछ आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं, अब ग्लास को डेकोरेट करते हैं। ऑलराइट, अब इसमें हम डालेंगे करीब 2 बड़े चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश के। 1 and 2। आप चाहें तो थोड़ा और डाल सकते हैं। Let's make it 3। ओके, अब इसमें पड़ेगा आइसक्रीम स्कूप। Alright, and now some cut strawberries। क्योंकि ये बेरी पंच है, हमने सब कुछ स्ट्रॉबेरीज का लिया है। और अगर आप चाहें तो इसमें 2-3 अलग अलग बेरीज डाल सकते हैं। ब्लैक बेरीज मिल रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। एंड अब इसके ऐसे लेयर्स बनाएंगे। इसे अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि वो पूरा वाइट ढक जाए। ओके, अब इसमें हम डालेंगे लेमन ड्रिंक, तो ये फिजीनेस से आइसक्रीम ऊपर आ जाएगा। अब ड्रिंक तो तैयार है, बट लास्ट में थोड़ा सा गार्निश करेंगे। इसमें हम डालेंगे एक कट स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एक फैन बनाएंगे ताकि हम इसे खूबसूरती से गार्निश कर सकें ग्लास पे। साटे स्टिक लीजिए, उसे थोड़ा काट लीजिए क्योंकि ग्लास छोटा है, और इस तरह से इसे लगा के अब इसमें हम लगाएंगे एक नींबू का वेज। इसे हल्का सा ऊपर से स्लाइस कर लीजिए ताकि ये ग्लास पे टिक जाए। अब इस नींबू के वेज को आप इस तरह से ग्लास में लगा दीजिए ताकि स्ट्रॉबेरी को सपोर्ट मिल जाए। और चाहे तो अब इसके ऊपर मिंट का स्प्रिग लगा लीजिए इस तरह से। तरा, the berry punch is ready. Food, food, it's sizzling.